दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गूगल ट्रांसलेट ऐप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप गूगल ट्रांसलेट ऐप का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप किसी भी इंग्लिश वाले लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी वाले लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपकी मातृभाषा लैंग्वेज दूसरा है तो दूसरे लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। अगर आप कैमरा का यूज करना चाहें तो कैमरे के सहारे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपकी गैलरी में कोई पिक्चर है, फोटो है तो उसका भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आप बोल बोल ट्रांसलेट करना हो तो बोल बोल की ट्रांसलेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इस गूगल ट्रांसलेट में आपको बहुत ज्यादा फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं गूगल ट्रांसलेट की ए टू जेड सेटिंग से लेकर के ए टू जेड फीचर वगैरह के बारे में पूरी विस्तार से फुल डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप गूगल ट्रांसलेट का अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं गूगल ट्रांसलेट की सहायता से, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, सर्च बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, गूगल ट्रांसलेट ऐप टाइप करके सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको ये वाला ऐप गूगल ट्रांसलेट प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप पहले से इंस्टॉल किए होंगे तो इसे अपडेट वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है इंग्लिश हिंदी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश वाला लैंग्वेज, इंग्लिश वाला भाषा हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी वाला लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, सिंपल सा आपको जो बीच में एरो दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, आपका हिंदी टू इंग्लिश हो गया। इसका मतलब ये हुआ हिंदी वाले लैंग्वेज, हिंदी वाला भाषा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपका दूसरा लैंग्वेज है और आप दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। हिंदी पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएगा, जिस भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना उसमें चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इंग्लिश पे क्लिक करके यहां पर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी करना हो। कर लेने के बाद आपको यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इंटर टेक्स्ट, यहाँ आप इंटर टेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हिंदी में है, जैसे मैं हिंदी में टाइप कर देता हूँ आप कैसे हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ आप कैसे हैं, यहाँ सिंपल सवाल लिख रहा हूँ आप कैसे हैं, मैंने हिंदी में लिखा है, देख सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया हाउ आर यू। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाउ आर यू पे आपको देख सकते हैं इस तरीके दिखाई देगा। इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन सुनना चाहें तो आप सुन भी सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पीकर दिया, आप स्पीकर पे जैसे क्लिक कर देंगे देख सकते हैं आपको बोल के बता दिया हाउ आर यू। अगर आप इसे स्टार कर देते हैं तो इससे फायदा ये हुआ कि आपको बार बार ये वर्ड टाइप नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपका यहाँ पे वोकैबुलरी के रूप में रखा रहेगा। आप जब चाहे तब आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक करेंगे तो आपको जो चीज आप सेव किए रहेंगे इस तरीके से आ जाएगा। आप इस तरीके से लंबी चौड़ी लिस्ट भी इसका बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश टू हिंदी तो आप यहाँ बीच में एरो की क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इंग्लिश में कुछ टाइप कर लीजिए, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ वेयर आर यू गोइंग, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे मैं टाइप कर लिया हूँ देख सकते हैं। अब इसे मैं टाइप कर ले रहा हूँ, इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ लेकिन आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं। आप सिंपल से इसका भी सुन सकते हैं, सुनना हो तो प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसे कहीं पर भी पेस्ट वगैरह के लिए कॉपी कर सकते हैं। आपको यहाँ देख सकते हैं घड़ी का आइकन दिखाई दे रहा है, अगर आप हिस्ट्री देखना चाहें यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आप जितना यहाँ पे देख सकते हैं आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से लंबी चौड़ी आप देख सकते हैं आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। 15 जून यहाँ देख सकते हैं, स्टरडे यहाँ देख सकते हैं, आपको इस तरीके से लंबी चौड़ी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं बोल बोल ट्रांसलेट करना तो बोल बोल के ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माइक दिखाई दे रहा है, आप यहाँ ऊपर पहले सेलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश हिंदी है तो इसका मतलब हो गया इंग्लिश वाले हिंदी में। जैसे मैं स्पीकर पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे वाइल यूजिंग ऐप पे क्लिक कर लेता हूँ, वेयर आर यू ग्रोइंग ब्रदर देख सकते हैं, मैंने टाइप मैंने इंग्लिश में बोला है, यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। अब मैं माइक के सहारे बोला हूँ, फिर जैसे बोल देता हूँ माइक पे क्लिक करके हाउ आर यू ब्रदर टुडे देख सकते हैं, आपका देख सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेट हो जा रहा है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ से बैक हो जाता हूँ, बैक हो जाने के बाद यहाँ पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, हिंदी कर लेता हूँ। अब जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तुम कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो, इस समय बताओ जरा तो क्या हो रहा है।
देख सकते हैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं भाई आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। इसे कॉपी करके कहीं पर भी आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। बहुत कमाल का फीचर यहाँ पे दिया है। स्टार वगैरह करना है तो स्टार वगैरह भी कर सकते हैं। आपको ये चीज हो गया। आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है कैमरा, कैमरा पे क्लिक कर लीजिए। कैमरा पे क्लिक कर लेने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको हिंदी टू इंग्लिश दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे कैमरा के सहारे भी कर सकते हैं, या फिर फोटो वगैरह रखे फोटो वगैरह के सहारे भी कर सकते हैं। यहाँ पे गैलरी पे क्लिक कर लेने के बाद आप कोई फोटो जैसे मान लीजिए आपको दिखाने के लिए जैसे मैं यही ले लेता हूँ। ले लेने के बाद मैं यहाँ देख सकते हैं लैंग्वेज क्या है, हिंदी टू इंग्लिश है, ये तो इंग्लिश में है ना, इसको पहले चेंज करना होगा। यहाँ पे हिंदी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे इंग्लिश कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा, देख सकते हैं मेरा हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। इस तरीके से आप इंग्लिश में अगर दिया है तो आप इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में या दूसरे लैंग्वेज को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे कन्वर्सेशन, जैसे आपस में दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं और दूसरे लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं, अगर आप उनके लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ कन्वर्सेशन का यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसका यूज कर लेते हैं तो जो भी बोलेगा आप उसे मतलब यहाँ अपने मोबाइल को उसके सामने रख दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको मोबाइल जो है आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता देगा वो ये चीज बोल रहा है। ऐसे आपको यहाँ कन्वर्सेशन करना है तो यहाँ पे कन्वर्सेशन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं वेयर आर यू गोइंग ब्रदर, देख सकते हो मेरा फोन बोल के बता भी रहा है। जैसे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ हाउ आर यू ब्रदर, और भाई क्या हाल। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ आप हिंदी में क्लिक करे था मैं अच्छा हूँ भाई आप बताइए आप कैसे हैं। कन्वर्ट होता चला जाएगा, ट्रांसलेट होता चला जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्सेशन। इस तरीके से आप कन्वर्सेशन वगैरह कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो पेस्ट दिखाई दे रहा है पेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो चीज कॉपी किए रहेंगे आप यहाँ पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। पेस्ट करके आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं ऑफलाइन यूज करना तो ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सा वो करना क्या होगा, जैसे आप चाहते हैं कि इंग्लिश वाला हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए या फिर हिंदी वाला इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए, तो आप जैसे हिंदी वाले को इंग्लिश में चाहते हो ट्रांसलेट इस तरीके से कर लीजिए। हिंदी टू इंग्लिश कर लेने के बाद हिंदी पे क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पे जो डाउनलोड दिखाई दे रहा है डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ कहाँ डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको इसे डाउनलोड हो जाने के बाद इसे जो है ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के जो है आसानी से आप इंग्लिश वाले लैंग्वेज को हिंदी में या फिर दूसरे लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप गूगल ट्रांसलेट का अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।